बरसात झमाझम हो रही है, आप देख सकते हैं बहुत ठंडा हो चुका है यहाँ पर। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइज, आज है संडे और संडे मीन्स वनडे। तो आज अभिषेक की छुट्टी है और बहुत दिन से आपने देखा होगा कि अभिषेक ब्लॉग में नहीं आ रहा है, तो आज मैं सच जबरदस्ती ब्लॉग में लाऊंगी और अभी मेरे लिए बनाना है चाय। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको अभिषेक से। तो ये है अभिषेक और ये बना रहा है दीदी के लिए। क्या बना रहे दोनों आप बोलो? जहर बना रहे दीदी को और अभिषेक बना रहे हैं। और आज हमने खाने में बनाए हैं एकदम चटपटी सी मेरी फेवरेट कढ़ी। गाइस, इसने आपको भी कढ़ी दिखाई पर इस लड़की को खुद नहीं पता कि ये कढ़ी नहीं है। मतलब क्या बोले इसको यार, छोड़ो मैं बताता हूँ क्या है। वो कढ़ी नहीं है, ठीक है ना। वो पहाड़ी डिश है जिसे हम कहते हैं छनछोड़ी, मतलब कढ़ी जैसी होती है, ठीक है ना। उसमें वो पड़ता है क्या झंगोरा पड़ता है उसमें। ये गलती से मिस्टेक हो गई, एक्चुअली ये कड़ी नहीं है, ये है एक ट्रेडिशनल उत्तराखंडी डिश जिसका नाम है छनछेड़ी। जितने भी पुराने लोग होंगे या फिर जो अभी भी गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि छनछेड़ी क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं गाइस, झंगोरा लेते हैं, उसे चावल की तरह पकाते हैं और उसमें आप दही या फिर छाछ जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे डालो, नमक मिर्च मसाला सब डालो और खाने में इतना टेस्टी होता है ना, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। और जो भी हमारा ट्रेडिशनल उत्तराखंडी फूड है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में क्या क्या बनता है, उसे खाओ। कोदो झंगोरू खाओ और सेहत बनाओ। जिसे नहीं पता ना छनछोड़ी क्या होता है, उत्तराखंड में रह गया उसे उत्तराखंड छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो भाई, जाओ तुम। क्या मैंने क्या कह रही, छनछोड़ी यूज़ करना चाहिए, उसे छनछोड़ी बना के उसकी कढ़ाई में डुके। आज मेरी मम्मी ने दुकान खोली है, मेरे पुराने कपड़े निकाल निकाल के बोल रही पहन नहीं, क्यों नहीं पहन रही। अब नहीं पहनना मम्मी वो, ऐसी चीज मेरे को पसंद नहीं। मम्मी सारे कपड़े ठीक से लगा के वापस बेड में रखेगी। मेरे लाटो खूब छा। ये गड़बड़ी बननी आनी दोस्तों, आती है दोस्तों मुझे गड़बड़ी, पर मैं सब के सामने नहीं बोलता। देखा पता गलत बात ची, अपनी गड़बड़ी भाषा बोल में ये तो शर्म आने सबों के सामने। आप बोला अगर हम अपनी ही निज भाषा बोल में शर्म, मेरा लाटो मेरा लाटो क्या बोलू, ये नौनी का फी मनी आई, ठीक से ये तो मैं ठीक है, थोड़ी थोड़ी गड़ाई बन, सब झूठ बोल दी सारा, ये के नखरा छन और कुछ नहीं, ठीक से। ये नखरा की छन, नखरा की छन, मेरा लाटो नखरा, हम ते ने पता कि किचन में नखरा मु ते ने पता हो किचन नखरा, मैं तो पता छ कि किचन तेरे नखरा मु ते सब पता छ। ये बाबा और एडवांस है ना, हेलो हम ते तने जा लाटा ते ने एडवांस। अरे देखा ये एक पीने चाय, लेकिन बूढ़े आदमी ने ना बड़ ग्लास एक सौ ग्लास रखे, ये देखेगा एक सौ ग्लास ये रखे। अब बूढ़े जान चाय लवर शो में चाय लवर चाय चाय लवर जो बोलियो गढ़वाई जना हमारे पहाड़ी नौ नचे तो चाय लवर तो होनी चाहिए ना, पहाड़ मौला सब भी इतने चाय पिलोला, तुम भी आ चाय प्या चाय मजा लिया पहाड़ी चाय। पहाड़ी चाय आप भी आए पिए पहाड़न के हाथ की चाय। कौन है पहाड़न? मैं। और हाँ दूध चाय पत्ती चीनी खुद बनाई, कंजूस है नहीं है। बले नीरे इंदु मैसी डांडा पड़ी गे भैसी, बले डांडा छमे जाड़ू बोतल पिएगी ये सी। आज आपको अभिषेक अपनी दीदी के बारे में पांच अच्छी चीजें बताएगा। चलो बोलो बताओ, आप गढ़वाली में भी बोल सकते हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, चॉइस इज योर्स। यस, इसमें एक अच्छा ही नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, एक अच्छा है दीदी में। दीदी आपको इतना सारा प्यार करती है, वो दोस्तों को भी दिखता है, बोलो आप मानो ना मानो। समझी मेरे लाटू, करती हूँ होगी नहीं करती हूँ। चलो अब बाकी चार आप बताओ। नहीं है बल, बल क्या बल चलानी बल, बल इस गढ़वाली एक बड़ा गढ़ बल, मतलब तुम गढ़वाली बोलोगे हर गढ़वाली के उसमें आ ही जाता है बल, पिछना आ ही जाऊँ बल। जो भी गढ़वाई होना ना क्योंकि पछाड़ होने से कुछ भी बात बोलना तो तय की बात तो पिछले होने बल, इन बनो छबल उन खानो छबल छो भी आता छो छो वर्ड्स के पीछे छो।
से अन्य ऑन द गोल से अलग अलग जो हम बोल रहे हैं दीदी का पीछे ना ऑन द शो हम खाना भी ऑन द बल भी ऑन द बल तो सब कोई ऑन द ना पर हमारे छा ऑन द हम खाना छा सेना छा पेना छा है ना हम भुक्की देना छा 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 मैं छा अब्बल पे गाना बनाऊंगी जो जो यूपी और बिहार के लोग थे उनकी भयंकर लैंग्वेज नहीं रहती अब क्या कर रही है तू क्या कर रही है अरे क्या कर रही है तू लगातार कल सुबह से बारिश हो रही थी पर आज आप देख सकते हैं एकदम चमचमाती धूप श्रीनगर में लगी है और आप सामने देख सकते हैं बादल कितने सुंदर लग रहे हैं और जब मैं छोटी थी तो जब हम ड्राइंग करते थे तो हम ऐसे ही बादल बनाते थे छोटे छोटे उनमें थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू कलर भरते थे ऐसे पहाड़ बनाते थे बस अंतर ये था कि इस पहाड़ के बीच में हम एक नदी भी निकाल के दिखाते थे इनमें हमें कुछ एक ऐसा टाइप का पेड़ बनाते थे अगर हरा भरा पेड़ बनाना होता था तो ऐसा बनाते थे और सूखा सा बनाना होता था तो ये देखो ऐसा बनाते थे बस ऐसे ड्राइंग करते थे बचपन में बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को हम आए हैं अभी जायका में तो ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है और हमने मंगाई है टॉप्सी जो कि मेरी बहन की फेवरेट है और साथ में मंगाए हैं गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल विद ग्रीन चटनी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम अपनी व्लॉग में दीदी को नहीं दिखाती हो तो ये देखिए जैसे मैंने इसकी तरफ कैमरा किया इसने मुँह फरका दिया अब देखो मैं भी एक चालाकी करूँगी इसका मुँह आपको दिखाऊंगी मैं जैसे जैसे मुड़ रही हूँ आप देख सकते हैं उसके मन की क्या मेरी दीदी इतनी खूबसूरत होगी कि मुँह छुपा रही है अरे मैंने एक बार देख लिया क्या पता मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए दिखा ये चांद सरो संचहरा ओए खोल ना जुल्फों का रंग सुनहरा दिखा देना प्लीज फेस रिवील कर ऐसे तो कोई नई नौनी पैदा होने तब कर तो बुढ़ेर गई जल्दी दिखा दिखो ना उठा उठाने मुँह पड़ता उठा आई डोंट नो कि आप इसका चेहरा कब देखोगे लेकिन बहुत जल्द मैं आपको इसका फेस जरूर दिखाऊंगी और गाइस ये जा रही है यूट्यूबर स्वाति जिसने आज बहुत छक्के खाया सीधे इसकी कमी में देखो मेरी कमी में अगर मैं खा लूँ देखो मेरी कमी देखो बस क्या इसका कमी कभी भी बाहर नहीं आता फूल नहीं हुआ है फूल है अभी एक और आइसक्रीम जा सकती है और ये तो गाइस ये है हमारी श्रीनगर की सब्जी मंडी जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ फल आपको मिलेंगी और आप देख सकते हैं शाम के समय में कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं ओ गाइस वो देखो चलो फल हमें आइसक्रीम खाने चले और ये देखिए भैया के पास कितने सुंदर फूल हैं और मैं भैया से फूल खरीद रही हूँ देखो भैया आपको प्रमोशन कर रही हूँ मैं तो आप मुझे एक फूल एक्स्ट्रा देना आपको पता है मैं फ्लावर लवर हूँ इसलिए मैं ले रही हूँ चार पांच तरीके के फूल मिनो देखो एक दो और देखना आज हमने खरीदे हैं आज दो तीन टाइप के फ्लावर एक है ये डहलिया इसका नाम है और बहुत ही प्यारे से मैरून शेड में है और साइड में आप देख सकते हैं इसकी वाइट वाइट कलर की ये वाइट कलर का शेड है इस फूल में और एक हमने लिया है ये पर्पल कलर का एक है ये ब्लू पापा जी कैसा लग रहा है आपको फूल तो आप फूलों से ज्यादा प्यार करते हो कि हमसे बताओ किससे करता है ज्यादा प्यार हम भी तो आपके फूल हैं मस्त लग रहा है ना ये ओवरऑल अच्छा लग रहा है ना कलर में
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और प्लीज़ आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग आते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के जाते हो, तो बहुत गलत बात है। अगर आपके ही बीच का कोई इंसान, मतलब अपना जो हमारा उत्तराखंड का कल्चर है उसे आपके सामने शेयर कर रहा है, तो आप उसे आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ स्वाति'स व्लॉग। सो बोलो, आप कुछ कहेंगे? आप कर देना। खबर लेंगे इन लोगों की? क्या लेनी खबर, इतनी बार खबर ले ली तब भी अपनी खबर नहीं दे रहे। गुड बॉय है वो। और प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।